चलो आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों से बातचीत होगी। देखते हैं कभी कोई तो ऑनलाइन आया ही नहीं। अरे अरे सौरभ, ये क्या किया है भाई तूने? प्रिवेंशन रे, बाकी कुछ नहीं। ना कि प्रिवेंशन करना जरूरी है, पर कुछ ये ज्यादा ही नहीं हो गया? पता है यार, लेकिन इस कोरोना का कुछ भरोसा नहीं। पता नहीं कब कहाँ कैसे अंदर घुस जाए। अरे सौर्या, वैसे कहां से भी अंदर नहीं घुस सकता। वो तभी अंदर घुसता है जब हम उसकी मदद करें। मतलब हाय गाइस। अरे तेजल तेजल, तू ये क्या कर रही है? अरे मैंने वो पढ़ा था कि नीम, पुदीना, कड़ी पत्ता, हींग, इनका धुआं घर में करेंगे तो घर में कोरोना नहीं आएगा। हाँ, ये कहाँ से पढ़ा पर तूने? व्हाट्सएप पे। अरे 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 सौरभ, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अरे वो प्रिवेंशन कर रहा हूँ। अरे क्या खाक प्रिवेंशन, ऐसे थोड़ी ना कोरोना से बचा जाता है। करे तो करे क्या? हाँ हेलो, कैसे हो तेजल? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और सौरभ तू ही है ना? ये क्या हाल बना के रखा है अपना भाई? अरे वो प्रिवेंशन। चुप चुप, एकदम चुप। कुछ प्रिवेंशन वगैरह नहीं होता। पहले वो निकाल, वो कोरोना रह जाएगा, बाद में दम निकल जाएगा तेरा उससे पहले। और तेजल, वो धुआं निकाल यार पहले। और स्नेहा, तू क्या बिना मास्क पहने ही बातें करने चली आ गई? ये मैं बाहर जाते वक्त मास्क नहीं पहनती और तू मुझे घर पे मास्क पहनने के लिए बोल रहा है? वो सब ठीक है, पर ये बता कि तुझे ऐसा क्या काम होता है कि तुझे बाहर जाना पड़ता है? अरे यार, घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा बाहर घूम के चली आती हूँ। वैसे भी लॉकडाउन के समय लोग उसका पालन कर भी रहे या नहीं, वो भी तो देखना चाहिए कि नहीं? वाह, मतलब लोग बाहर नहीं निकल रहे, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये तू बाहर जाके देखती है? अरे भाई, तुम हमें बोल रहे हो कि ये मत करो ना, वो मत करो ना, ऐसा मत करो ना यार। तुम अगर इतना ही है तो हमें ये भी बता दो कि घर बैठे बैठे हम करें तो करें क्या। मैं तो इतना बोर हो गया हूँ कि मैंने अपने दाढ़ी के बाल तक गिन लिया यार, एक साइड में थोड़े से कम है। उसके लिए हमें अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से धोने चाहिए। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? स्लो ही कहो, पर अभी ये जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर हमें इस कोरोना वायरस को हराना है तो हमें बंटी जो कर रहा है ना, वही करने की जरूरत है। बस इतना करेंगे और हम कोरोना से बच जाएंगे क्या? हाँ, बच तो जाएंगे, पर हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की भी जरूरत है। तो फिर उसके लिए क्या करें भाई? मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलना और दवाई द्वारा अपनी रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाना, ऐसे कैसे होगा भाई ये? अरे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई या खाने के सिवाय हम आयुर्वेद शास्त्र का पालन भी तो कर सकते हैं ना। आयुर्वेदा और इमरजेंसी कंडीशन में? अरे क्या कठिन है उसमें, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन ही तो करना है। और सुबह सुबह आधे घंटे तक प्राणायाम योगासन करना है, उसके बाद दिन भर गर्म पानी पीना है। और फिर सेजल, तू जो हल्दी, लवंग, जीरा, लहसुन का बोल रही थी ना, वो हमें खाने में इस्तेमाल करना है। और भले तुम्हें अच्छा लगता हो या ना लगे, च्यवनप्राश सुबह सुबह उठकर खाना ही चाहिए। सही है यार, मतलब देखो ना, अपना ही साइंस है और अपने को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, उस पर चर्चा हम फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन पहले हम अपने ही इस साइंस का इस्तेमाल करके खुद को कोरोना से सिक्योर कैसे कर ले, ये सोचेंगे। और जैसे कि कल हमने रामायण के एपिसोड में देखा, वैद्य सुषेण ने कहा ही है कि आयुर्वेद अंतिम क्षण तक साथ और हौसला नहीं छोड़ता। थैंक यू यार मनोज। अरे बस क्या, अभी वो धन्यवाद थैंक यू वगैरह रहने दो, सबसे पहले आप वो मास्क पहन लीजिए माते। जो आज्ञा प्रभु। चलो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी लॉकडाउन खत्म होने के बाद। बाय 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 बाय।